नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि आपको भ्रमित करने का काम करेंगी। तो हम यहाँ पर सटीक और सही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख सकते हैं हिंदी का जो पूर्णांक है वो कितना है, 75 नंबर का। तो अगर आप 75 नंबर तो नहीं कह सकते लेकिन 60 नंबर आप इस वीडियो को देखकर आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपको देखने को मिलेगा और ये दिशा निर्देश है, इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है इसका सही विकल्प का, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया। तो कौन से तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किस लिए किया, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अनंत और ललिता या फिर नवजीवन वाले या फिर मनमोहक। तो इसका सही आंसर है नवजीवन वाले। अगर आप ये करोगे तो आपका राइट आंसर है। इसके बाद में है दूसरा, और इसके बाद में है दूसरा, कभी बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। तो कभी कौन से बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चार में से इसमें से सही कौन सा है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम लास्ट में देंगे इस वीडियो के। और इसके बाद में तीसरा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत, विवश या फिर रौद्र या फिर वीर रस। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवश रस, यानी कि इस बवाल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इसके बाद में जो आगे का प्रश्न है वो है हमारा चौथा, उपन्यास सम्राट है। तो उपन्यास जो सम्राट है वो कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद और यशपाल, प्रेमचंद, मन्नु भंडारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेमचंद। अगर आप मुंशी प्रेमचंद है इसका आंसर सही, तो प्रेमचंद अगर आप लिख कर आते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है वो उपन्यास सम्राट हैं। इसके बाद में पांचवा, सुनार गहने बनाता है इसमें वाच्य है, क्या है, कर्मवाच्य या फिर कर्तव्यवाच्य या फिर भाववाच्य या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा होगा, कर्मवाच्य। यहाँ पर अगर आप कर्मवाच्य करके आते हैं पहला वाला सही है, अगर आप ये करोगे तो आपका एक नंबर पक्का। इसके बाद में छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो अधिभा, अभिधा या फिर व्यंजना या फिर लक्षणा रस। तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्षणा, आपका सही रहेगा स वाला। तो इस प्रकार से आपके छह नंबर के ये प्रश्न हो जाते हैं सही विकल्प। अब हम जान लेते हैं आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, रिक्तस्थान। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा है आपका, इसमें रिक्तस्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, सूरदास थे। तो सूरदास कौन थे, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त थे। और इसके बाद में छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद चार प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको चार प्रकार भरना है। इसके बाद में वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो इसमें आपको क्या भरना है, उत्साह भरना है। इसके बाद में चौथा है, प्रतिमा का चश्मा बदल देता था। तो प्रतिमा जो थी, यानी कि प्रतिमा जो थी उसका चश्मा कौन बदल देता था, तो उसका चश्मा जो है वो कैप्टन बदल देता है। इसके बाद में शब्द शक्ति के प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के जो प्रकार है वो कितने हैं, तीन प्रकार हैं। समास के भेद कितने होते हैं, समास के जो प्रकार हैं वो छह प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको छह प्रकार बनना है। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्तस्थान की पूर्ति कर लेना है। छह रिक्तस्थान आपको देखने को मिलेंगे और छह नंबर के आपको आने वाले हैं। इसके बाद में हमारी सही जोड़ियां, तो ये जो सही जोड़ियों का मिलान हमने है, ये सही जोड़ियों का मिलान जो है वो कैसे करना है ये हम लास्ट में बताएंगे। इससे पहले आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। इसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं, क्योंकि तीसरे के जो सही जोड़ियां हैं वो हम लास्ट में देखने वाले हैं। और इसका है सत्य और असत्य। चौथा प्रश्न में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये जो है, ये जो सत्य है या फिर असत्य है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो ये बिल्कुल सत्य है, अगर आप इसको सत्य करोगे ना तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में रामचरितमानस महाकाव्य है, तो रामचरित जो मानस है वो महाकाव्य है, बिल्कुल ये सत्य है। उसके बाद में दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रदान होता है।
तो जो दृश्य काव्य होता है उसमें अभिनव तत्व प्रदान होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है, तो तीसरा वाला जो है आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद में उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो उपन्यास जो होती है, सॉरी यहाँ पर चौथा हम भूल गए, तो चौथे का आंसर क्या है, नाटक गद्य की विधा नहीं है। क्या नाटक गद्य की विधा नहीं है? तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि नाटक जो है वो गद्य की विधा होती है। तो चौथा क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं। और इसके बाद में पांचवा, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये सत्य है या फिर असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में उससे खाना नहीं खाया जाता, मैं भाववाच्य है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपके सभी सत्य हैं, और ये चौथे नंबर का छोड़कर, तो चौथे नंबर का असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य करना है। इसके बाद में पांचवा देख लेते हैं, पांचवे में क्या पूछा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो एक शब्द में आपको आंसर इसके बताने होते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, इसका सही आंसर होगा कुमड़। कुमड़ बतिया फल जो होता है वो उंगली दिखाने से मुरझा जाता है, तो कुमड़ बतिया फल आपको इसमें लिखना है। इसके बाद में दूसरा, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। तीसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस का जो है प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई और दोहा छंद होता है, तो इसमें भरना है आपको, इसका आंसर होगा चौपाई और दोहा छंद, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक ही अंक होता है, तो इसका एक ही अंक बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद में पांचवा है, प्रतिदिन में कौन सी समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिदिन, यानी कि अव्ययी भाव समास जो है वो प्रतिदिन में आएगा। इसके बाद में समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं कि इसका आंसर आपको कैसे देखना है। छात्रों, इसके अलावा जो आगे के प्रश्न बचे हुए हैं, ये सभी प्रश्न देखने के लिए और ये पूरे पेपर की पीडीएफ आपको कैसे और कहां पर डाउनलोड करना है और सही जोड़ियों का मिलान जो आंसर रह चुके हैं वो आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, तो गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है स्टडी गुरु, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी गुरु लिखोगे और सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी studyguru.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन आप त्रैमासिक परीक्षा क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा के संबंध में आर्टिकल देखना चाहते हैं तो इस पर आपको आना है, एमपी बोर्ड 10th त्रैमासिक पेपर, तो इस वाले आर्टिकल पर आपको आ जाना है। जैसे आप इस वाले आर्टिकल अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइट आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना है, टॉप पर दिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, तो ये यहाँ से आप क्लास टेंथ हिंदी का नमूना प्रश्न पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेपर है वो मॉडल पेपर है, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं वो आपके आने वाले प्रश्न में आपको आने वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 30 इसी वेबसाइट पर हिंदी पेपर को लेकर 30 से 35 प्रश्न और आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, जिनके आने की सबसे अधिक संभावना है। उन 30 प्रश्नों और 35 प्रश्नों को और याद करने के बाद में इस मॉडल पेपर में दिए गए सभी प्रश्न, ये सभी आप कंप्लीट कर लोगे तो आप आसानी के साथ 60 नंबर लेकर आ सकते हैं, 60 नंबर प्लस लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस वेबसाइट पर आकर चेक करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस